नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने रेलवे अस्पताल प्रशासन को दिए 30 पीपीई किट, कोरोना महामारी से बचने के लिए किया गया वितरण। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज अजमेर की ओर से आज कोरोना से जंग लड़ रहे रेलवे अस्पताल प्रशासन को 30 पीपीई किट प्रदान किए गए। यूनियन के पदाधिकारियों ने अस्पताल के डॉक्टर के जज्बे को सलाम करते हुए कोरोना महामारी से बचाने के लिए जिस तरह से डॉक्टर अपनी भूमिका निभा रहे हैं वो सराहनीय कदम है, और यह वजह है कि अजमेर में कोरोना मरीज के ठीक होने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही यूनियन ने बताया कि संकटकाल में रेलवे के सभी कर्मचारी किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। चले में हमारी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज के महासचिव गुप्ता जी और लायंस क्लब के मेंबर्स आके हमको 20 पीपी किट डोनेट किए हैं। ये हम उनका बहुत दिल से आभारी है, धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का जो ये सामाजिक कार्य है और हमारे स्टाफ के लिए ये डोनेट किया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस तरह का मतलब क्या है कि जो समाज में जागरूक लोग हैं वो इस तरह का कार्य करेंगे तो हमारे जो स्टाफ है डॉक्टर्स को मोटिवेशन रहेगा। मैं तो यही निवेदन करूंगा इन लोग इस तरह का कार्य करते रहे, स्टाफ को जो भी मदद करे, जो भी संस्थाएं सामने आए उनका हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। ये ज़रूर पीपी किट वगैरह ये सब चीज़ें क्या है कि स्टाफ के लिए बहुत ज़रूरी आवश्यक है और हमें इससे फ़ायदा होगा, हमारे स्टाफ को फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्टिविटी जारी रहेगी। धन्यवाद। COVID-19 के चलते जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण इस भारत में फैलता जा रहा है और जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन अपने रेल कर्मचारी और उनके परिवार और रेल से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों में विभिन्न तरीक़ों से किसी प्रकार की कोई सहायता, कोई मदद करने का प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने लॉयंस क्लब आस्था के सहयोग से हमारा जो अजमेर का मंडल रेलवे चिकित्सालय है जिसने स्वयं ने यहाँ पर अपना आइसोलेशन वार्ड बनाया है और उस आइसोलेशन वार्ड के अंदर 3 टीम जो 10-10 कर्मचारी डॉक्टर सहित 10-10 कर्मचारियों की टीम बनाई है जो वो काम करती है, तो यूनियन ने ये विचार किया कि हमारे रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जो आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई किट उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। और आज लॉयंस क्लब के माध्यम से 20 पीपीई किट हमने रेलवे चिकित्सालय अजमेर को और 20 पीपीई किट हमारा जो जयपुर में पूरे जोन का सेंट्रल हॉस्पिटल है उसको आज यहाँ प्रदान करने का काम किया है। और इस प्रकार की जो भी आवश्यकता अगर इस रेलवे हॉस्पिटल को हमारे मेडिकल स्टाफ को होगी उसका भी हम भरोसा दिलाते हैं कि आगे भी देते रहेंगे। आज ही CMS महोदय आदरणीय PC मीणा जी ने हमारे सामने 100 N95 मास्क की मांग रखी है, तो निश्चित रूप से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन आने वाले 3-4-5 दिन में वो भी उन्हें उपलब्ध कराने का काम करेगी। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन।